उपाध्याय जी, जिला मास्टर प्रवक्तन के अध्यक्ष सुरेश सिंह जी, महासचिव राजेश खैरवार जी, SC ST के समस्त फैकल्टी के डीन और मेंबर्स, विभिन्न जिलों से आए हुए खिलाड़ी, मैनेजर, कोचेस, UPBA के ऑफिशियल्स, हमारे UPBA के सेक्रेटरी जनरल विक्रम सिंह जी, जनरल सेक्रेटरी मिर्जा बेग जी, UP डायरेक्टरेट से आए हुए स्पोर्ट्स राजा सिंह जी और बालाजी के बिजनौर से आए हुए हैं उत्तर प्रदेश संघ के, मैं उत्तर प्रदेश संघ की ओर से आप सबका हिंदुस्तान कॉलेज ऑफ साइंस और टेक्निकल इंस्टीट्यूट में आपका हार्दिक अभिनंदन स्वागत करता हूं। माननीय मंत्री जी को बताना चाहता हूं कि मथुरा में उत्तर प्रदेश की पहली बास्केटबॉल चैंपियनशिप हो रही है और जिसका पूरा श्रेय जाता है हिंदुस्तान कॉलेज ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के डायरेक्टर, वाइस प्रेसिडेंट और वाइस चांसलर सबने राजेश को आशीर्वाद दिया और ये प्रतियोगिता मथुरा में पहली बार आयोजित होने जा रही है। इस प्रतियोगिता में उत्तर प्रदेश के विभिन्न जिलों की लगभग 35 टीमें भाग ले रही हैं। ये प्रतियोगिता 26 से करके चलेगी और माननीय मंत्री जी, इसी प्रतियोगिता के आधार पर उत्तर प्रदेश की बास्केटबॉल टीम का चयन होगा। मैं आपको यह भी बताना चाहता हूं और मुझे बड़ा हर्ष है कि हमारी उत्तर प्रदेश बास्केटबॉल संघ की आदरणीय अध्यक्ष श्रीमती सीमा सरवत जी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश बास्केटबॉल संघ निरंतर प्रगति कर रहा है। हमारे उत्तर प्रदेश की टीम राष्ट्रीय स्तर में प्रथम टीम स्तर प्राप्त लगातार करती आ रही है और आपको यह भी खुशी होगी कि हमारे उत्तर प्रदेश में कई सारे राष्ट्रीय मैं एक बार फिर माननीय मंत्री जी के अंदर से आवाज़ हूं। माननीय मंत्री जी, जैसे बताया था पार्थ जी ने, बहुत ही सरल हृदय के हैं, इनसे मिलना बहुत आसान है, सबकी समस्याओं का समाधान करते हैं। माननीय मंत्री जी, मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है उत्तर प्रदेश बास्केटबॉल की ओर से, इस मथुरा जनपद में बास्केटबॉल कोर्ट की कमी है। आपके यहां गणेश्वर स्टेडियम है, इस स्टेडियम में अगर आप सिंथेटिक बास्केटबॉल कोर्ट बनवाने की अनुमति प्रदान कर दे उत्तर प्रदेश सरकार से कहकर, तो मथुरा के खिलाड़ियों को बहुत आपकी बात उत्तर प्रदेश सरकार में कट नहीं सकती। अगर मंत्री जी ने कह दिया तो पत्थर की लकीर है, तो मथुरा के खिलाड़ियों जी आप निश्चित समझो कि आपका भविष्य उज्जवल है, क्योंकि माननीय मंत्री का आशीर्वाद आज आपको मिलने जा रहा है। एक बार फिर उत्तर प्रदेश राष्ट्रीय मनोरंजन की ओर से आपका हार्दिक आभारी, धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच सर। मैं आज के 33वीं जूनियर बास्केटबॉल चैंपियनशिप के मुख्य अतिथि आदरणीय चौधरी लक्ष्मी नारायण जी को आमंत्रित करता हूं कि वो अपने आशीर्वचन दें। आज की बास्केटबॉल प्रतियोगिता में मंच पर बैठे हुए हिंदुस्तान इंस्टीट्यूशन ग्रुप के एग्जीक्यूटिव वाइस प्रेसिडेंट आदरणीय VK शर्मा जी, डायरेक्टर आदरणीय अर्जुन उपाध्याय जी, बास्केटबॉल के उत्तर प्रदेश के वाइस प्रेसिडेंट आदरणीय हरि सिंह यादव जी, सेक्रेटरी साहब, मथुरा जिले के बास्केटबॉल के अध्यक्ष आदरणीय भाई बड़े भाई सुरेश जी, सभी मंच पर विराजमान सम्मानित अतिथिगण, हिंदुस्तान कॉलेज के सभी उपस्थित
रजिस्ट्रार मनीष जी और सभी यहाँ के डीन लेक्चरर प्रदेश के विभिन्न स्थानों से आई हुई टीम के सभी सम्मानित भाई और बहन, परम सौभाग्य का दिन है। मुझे प्रातः जाना था लखनऊ, लेकिन सुरेश जी को मालूम है यहाँ इंटर कॉलेज से लेके दोनों महाविद्यालय बीएसए कॉलेज और केआर कॉलेज में मुझे तीनों जगह जनरल कैप्टन रहने का मौका मिला है। लालिनों का विषय आता है तो रुका नहीं जाता और काम छोड़ते हुए समझता है मुझे। और सही बात यह है कि मैंने अपनी जिंदगी को खेल और खिलाड़ी की भावना से ही जिया है, चाहे वो कोई भी क्षेत्र मेरा रहा। क्षेत्र में मेरे में कुश्ती, दंगल और टूर्नामेंट बहुत होते हैं। लगभग सभी में मुझे रहना ही होता है। मैं प्रत्येक अपने छात्रों और छात्रा से ये कहना चाहता हूं, बास्केटबॉल में जीवन को एक खिलाड़ी की तरह यदि जियोगे तो कभी असफलता मिल ही नहीं सकती और कोई भी कठिनाई ऐसी नहीं हो सकती जिस कठिनाई में आपको कभी असहनीय स्थिति देखनी पड़े। मैं लगातार चुनाव जीता भी हूँ, लगातार हारा भी हूँ, ना हारने पे कभी ही